शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। तुम्हारा प्रॉब्लम मैं समझ गया धनराज सेठ। तुम्हारी पहली पत्नी सावित्री देवी, जिसे तुम मरी हुई समझ रहे थे, वो जिंदा है। उसे मारने की कोशिश तुम्हारी दूसरी पत्नी सीमा देवी ने की थी, मगर सावित्री देवी ये इल्जाम तुम पर भी लगा रही है। तुम समझते हो कि इस बात का पता अगर तुम्हारे बेटे राम और बलराम को चल गया तो तुमसे नफरत करने लगेंगे। हाँ। राम और बलराम प्यार मोहब्बत से रहें, एक छत के नीचे रहें, यही तुम चाहते हो ना? हाँ। मेरे पास एक आसान तरीका है। मुझ पे बहुत बड़ा एहसान होगा चावला, बताओ क्या तरीका है? सीधी बात है, आधी जायदाद राम के नाम कर दो, आधी बलराम के नाम पर, और एक शर्त रखो, अगर दोनों साथ में रहेंगे तो ही जायदाद मिलेगी, वरना सीधी ट्रस्ट में चली जाएगी। ये बहुत अच्छा आइडिया है, मुझे मंजूर है। जैसे ही आपने फोन पर प्रॉब्लम बताई, मैंने उसका हल निकाल लिया था। ये वसीयत तैयार की है, लो इस पर दस्तखत कर दो। ओके चावला, मैं चलता हूं। ओके, थैंक यू। मैं इसे कोर्ट में रजिस्टर करके एक कॉपी आपको भेज दूंगा। ओके। डैड, आपने लोगों का भला करना कब से शुरू कर दिया? चावला ने हमेशा खुद का भला किया है बंटी। धनराज ने अपने दोनों बेटों को मिलाने के चक्कर में उनकी मौत के परवाने पर दस्तखत कर दिए हैं। दोनों भाई मिलेंगे जरूर, लेकिन एक दूसरे का खून पीने के लिए। दोनों लड़कर मर जाएंगे और जायदाद सीधी ट्रस्ट में चली जाएगी। हा? यानी कि मेरे पॉकेट में। बताते जा किसका आदमी है। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे मुझे चौड़ाने बचा। बेटा चलिए मैं आपको हॉस्पिटल ले चलता हूं। माँ क्या हुआ? माँ ये चोट कैसे लगी? कुछ नहीं बेटी,
मैं मंदिर की सीढ़ियों से गिर गई थी। ज्यादा जोर से तो नहीं लगी ना माँ? नहीं बेटी, डरने की कोई बात नहीं, ये चोट तो मामूली सी है, जल्दी ठीक हो जाएगी। क्यों झूठ बोल रही हो माँ? माँ मंदिर से गिरी नहीं, कुछ गुंडे इनकी जान लेना चाहते थे। अच्छा हुआ कि मैं ठीक वक्त पर पहुंच गया और उन्हें मार भगाया। सिकंदर भाई, आपने मेरी माँ की जान बचाई, इसके लिए थैंक यू। ए, थैंक यू नहीं बोलने का, मैंने सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, माँ झूठ क्यों बोल रही है? वो बात खत्म हो गई है। खत्म नहीं हुई माँ, जो मानने आए थे वो फिर आ सकते हैं। हाँ माँ, बता माँ बता, कौन थे वो लोग? कुछ मत पूछ बेटे, मैं बता नहीं सकती। क्यों नहीं बता सकती माँ, ऐसी क्या मजबूरी है? माँ तुझे तेरे बेटे की कसम, तुझे बताना ही होगा। ठीक है बेटा, मैं बताती हूँ। जो राज मैंने तुमसे छुपा कर रखा था, दरअसल धनराज तेरे पिता है। हाँ बेटी, वो गुंडे तेरे पिता और उनकी दूसरी पत्नी सीमा के भेजे हुए थे। सीमा जो उनकी सेक्रेटरी थी, उन दोनों में ताल्लुकात थे, मगर मैंने कभी कुछ नहीं कहा। उन दोनों ने मुझे अपने रास्ते का कांटा समझा। सीमा ने मुझे चावला के जरिए उस वक्त मारने की कोशिश की जब तुम मेरी कोख में था। कुछ दिन पहले तेरे पिता मुझे मिले और शायद इसीलिए उन्होंने। और तुमने आज तक मुझे छुपाए रखा, सारे दुख खुद ही झेलती रही और मुझ पर आज तक नहीं आने दी। मुझे तुम पर फख्र है मां, अब तो फिक्र मत कर मां, अब मैं उन लोगों से बदला लूंगा, अब मैं उन लोगों को नहीं छोड़ूंगा मां। राम रुक जा बेटी, तुझे मेरी कसम। रुक जा मां, मत दे अपनी कसम, आज तक तू इसके लिए ढाल बनती आई है, आज इसे दुश्मनों के लिए तलवार बनने दे, मांगने दे इसे अपना हक, लड़ने दे उसूलों की जंग। जा भाई, तेरी इस लड़ाई में तेरा बड़ा भाई सिकंदर भी तेरे साथ है। बेटा राम, मैं नहीं जानता था कि तुम इतने गिरे हुए आदमी हो। मेरी माँ को मारने की कोशिश की है तुमने, उसकी खुशियां उसका अधिकार छीनकर खुद अय्याशियां कर रहे हो तुम। पति के होते एक पत्नी की मांग सुनी कर दी है तुमने। बेटा राम, मत कहो मुझे अपनी गंदी जबान से बेटा, अपनी माँ की कोख में रहते हुए तुमने मुझे मारने की कोशिश की है, मुझे बेटा कहने का कोई अधिकार नहीं है तुम्हें। मेरी बात तो सुनो। तू मेरी बात सुन धनराज, तूने मेरी माँ की खुशियां छीनी है, दर दर की ठोकरें दी हैं तूने उसे। अरे मुझे तो शर्म आ रही है कि तू मेरा बाप और मैं तेरा बेटा हूँ। याद रखना, जो गम मेरी माँ ने सहे हैं, जो ठोकरें मेरी माँ ने खाई हैं, आज के बाद तुझे खानी होंगी धनराज। मैं तेरी जिंदगी से सारी खुशियां छीन लूंगा, मैं तुझे चैन से जीने नहीं दूंगा धनराज, चैन से जीने नहीं दूंगा। बेटा राम मेरी बात तो सुनो ना, ना, ना। माँ क्या हुआ? चलो जल्दी चल चल संभाल संभाल। डॉक्टर, डैडी की तबीयत कैसी है? He is not yet out of danger. उनकी तबीयत काफी नाजुक है, भगवान पे भरोसा रखो, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, सब ठीक हो जाएगा। माँ अब क्या होगा? सब ठीक हो जाएगा। मगर ये हुआ कैसे? किस्मत का खेल है बेटा, किसको पता था कि चंद मिनटों में हमारे घर की सारी खुशियां छिन जाएगी, किसको पता था कि अचानक राम हमारी जिंदगी में इतना बड़ा तूफान खड़ा करेगा। राम? राम मेरा दोस्त? हाँ राम, और वो तुम्हारा दोस्त नहीं दुश्मन है, हमारे घर पर गिरने वाली बिजली है,
हमारी खुशियों का शमशान घाट। मगर क्यों? राम को हमसे क्या दुश्मनी है? क्या बिगाड़ा हमने उसका? हमने उसका कुछ नहीं बिगाड़ा, उसकी नीयत खराब हो गई। वो हमारी सारी जायदाद हड़प कर लेना चाहता है। हमारी जायदाद? हमारी जायदाद से उसका क्या ताल्लुक है माँ? उसका नहीं, उसकी माँ का ताल्लुक है। उसकी माँ तुम्हारे पिता की रखेल थी। ये बात जब राम को पता चली तब उसने जायदाद में हिस्सा मांगा। तुम्हारे पिता के इनकार करने के बाद उसने बुरे अंजाम की धमकी दी। इस हादसे का तुम्हारे पिता पर इतना गहरा असर हुआ कि वो अस्पताल आ पहुंचे। मजदूर यूनियन जिंदाबाद, मजदूर यूनियन जिंदाबाद, सिकंदर भाई जिंदाबाद। मालिक से कुछ बात हुई? नहीं, अभी नहीं की और वो करेगा भी नहीं, क्योंकि हड़ताल जारी रहे और फैक्ट्री में ताला लग जाए यही वो चाहता है। ये आप कैसे कह सकते हैं? कौन है आप? मेरा नाम हरी है और मैं भी एक अमीर आदमी था, लेकिन इस चावला ने मुझे एक झूठे कत्ल के इल्जाम में फंसाकर सारे सबूत अपने पास रखकर मेरी सारी धनदौलत अपने नाम लिखवा ली। लेकिन सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे जैसे न जाने कितने अमीर लोगों को उसने फंसाकर उनकी धनदौलत अपने नाम लिखवाकर उन्हें इस फैक्ट्री में नौकरी करने पर मजबूर कर दिया। आप लोग भी उसका शिकार है। वो इनकम टैक्स भरना नहीं चाहता, इस फैक्ट्री को बंद कर देना चाहता है, इसलिए उसने अचानक वर्करों की पगार कम करवा दी ताकि आप लोग हड़ताल करने पर मजबूर हो जाए। ठीक है, सबसे पहले रावण को श्रीलंका में आग लगाता हूं। कहां है तुम्हारा वो लीडर सिकंदर? कहां है सिकंदर? मैं यहां हूं चावला। मेरी फाइल्स कहां? कौन सी फाइल्स? कोई फाइल जो मेरी गैर हाजिरी में मेरे घर से तुम चोरी करके लेके आया। वो तेरी नहीं थी, दूसरों की अमानत थी। कौन दूसरा? वो मजबूर बेबस इंसान जिनको तुमने अपने जाल में फंसा, उनके खिलाफ सारे झूठे सबूत बनाए, जिसके बिना पर तूने जेल भिजवा सकता था, लेकिन तूने जेल भिजवाया नहीं बल्कि उन्हें ब्लैकमेल किया। उनसे ऐसे डॉक्यूमेंट साइन करवाए जिसके जरिए तू उनके प्रॉपर्टीज में हिस्सेदार बन गया। वो सारे डॉक्यूमेंट्स हमने उन्हें लौटा दिए। अब वो सारे आजाद हो गए चावला। देख सिकंदर, मुझसे दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी। अगर अपनी बर्बादी से बचना चाहते हो तो वो सबूत चुपचाप मुझे लौटा दो। लौटा तो देता चावला, लेकिन क्या करूं, आज सर्दी बहुत है ना, मजदूरों ने उन्हें जला दिया। सिकंदर, ये जो आग तूने जलाई है, अब वो तेरे शरीर को जला कर ही बुझेगी, याद रखना।